ज्ञान ये सनी कब देता है खुशी और गम। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लड़के हैं तो राइट हैंड और लड़की हैं तो लेफ्ट हैंड में जानकारी देखेंगे। हस्तरेखा शास्त्र में हर चिन्ह और हर रेखा का अपना महत्व है। ये जीवन में होने वाली घटनाओं से भी रूबरू करवाती है, साथ ही कई बार हमें संभल कर चलने का संकेत भी देती है। ऐसे ही नहीं, कुछ चिन्ह बनते हैं शनि पर्वत पर, अगर इन्हें समय रहते ही देख और समझ लिया जाए तो आप आने वाली परेशानियों से राहत पाने के उपाय खोज सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक यदि शनि पर्वत पर दीप बनता है तो इसका अर्थ है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है, या फिर अगर कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह की लापरवाही आपको बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। यह दीप असफलता का संकेत देता है, इसलिए अगर कभी भी शनि पर्वत पर ऐसा चिन्ह दिखाई दे तो अपने कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक अगर किसी की हथेली में शनि पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बनता है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, इसलिए अगर कभी भी यह चिन्ह दिखाई दे तो अपनी जरूरी वस्तुओं की सुरक्षा पुख्ता कर लें। इसके अलावा वाहन चलाने में भी सावधानी बरतें। जहां तक संभव हो शनि मंत्र का जाप करें, ऐसा करने से आपको लाभ होगा। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक शनि पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह शुभ संकेत नहीं होता है। यदि किसी की हथेली में चिन्ह नजर आए तो नियमित रूप से शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। ऐसे नक्षत्र चिन्ह होने से जातक के जीवन में तकलीफ आने लगती है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शनि पर्वत पर बनने वाले सारे निशान या चिन्ह अशुभ नहीं होते हैं, कुछ चिन्ह लाभ भी दिलाते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी की शनि उंगली सीधी समान और बाकी उंगलियों से लंबी हो तो यह भाग्यशाली होने का संकेत होता है। मान्यता है कि ऐसी उंगली वाले लोगों को कला के क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।